मोबाइल फोन खोने पर क्या करें? जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कभी भी आपका मोबाइल फोन खो जाए या फिर गुम हो जाए या फिर आप कहीं रख कर भूल जाते हैं अपने घर में, या आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हो या अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाते हो तो वहाँ पे आप अपना फोन रख के भूल जाते हो, और ऐसी जो सिचुएशन होती है ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करें? ऐसी या इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए एंड्रॉयड ने एक ऐसा फीचर निकाला है जिसका प्रयोग करके आप अपने मोबाइल की जो सही लोकेशन है वो उसको ट्रैक कर सकते हो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल को कहीं रख के भूल गए हो, या फिर आपका जो फ्रेंड है वो बिना बताए आपका मोबाइल फोन ले जाता है, या आपका मोबाइल घर पे ही है लेकिन आप ढूंढ ढूंढ के थक गए हो, आपका दिमाग खराब होने लगा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तभी आप वो समझ पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो गूगल फाइंड मोबाइल लोकेशन ट्रैकर है इसकी सहायता से आप अपने मोबाइल की सही लोकेशन का पता लगा सकते हो, साथ साथ में अपने मोबाइल की जहां लोकेशन बता रही है वहां पे जाके आप अपने मोबाइल से रिंग कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख लेना। और यदि मान लो आपका फ्रेंड आपका मोबाइल है वो बिना बताए ले जाए और आपके उसके अंदर कुछ पर्सनल डेटा है जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो और आपको डर है कि आपके डेटा है वो चोरी ना हो जाए या लीक ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप अपने मोबाइल को है वो बहुत ही इजी तरीके से पूरा का पूरा मोबाइल है वो एक फॉर्मेट कर सकते हो, अलग पूरा का पूरा मोबाइल है वो आप फॉर्मेट कर सकते हो जिससे आपके डेटा की लीक होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है। खास बात ये है कि आपके मोबाइल के अंदर है वो डेटा है वो ऑन होना चाहिए, तो लगभग हमेशा अपने फोन का है वो डेटा ऑन रखिए ताकि आप अपने मोबाइल को कहीं भी भूल के आ जाते हो या बाई चांस आपका फोन चोरी हो जाता है या आपने घर पे ही कहीं रख के भूल गए हो और उसको ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है फोन, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आप अपने फोन को है बहुत ही इजी तरीके से ट्रैक कर सकते हो, तो हमेशा है वो डेटा ऑन रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, आप बस स्क्रीन पे ध्यान रखें और अपने मोबाइल का है वो डेटा ऑन रखें। पूरा एग्जांपल तौर पे दिखाने वाला हूँ, जैसे मेरा ये फ़ोन मेरे पास में है और ये लॉस्ट हो गया है, सपोज मेरे पास ही पड़ा है, तो आपको क्या करना है अपने लैपटॉप में या पीसी में, क्योंकि जब आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाएगा तब आपके पास फ़ोन तो होगा नहीं, तब आपको क्या करना है अपने पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो या अदर कोई भी फ़ोन हो उसके अंदर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल फाइंड नाम से, लिंक मैं नीचे दे दूंगा तो आप जाके वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल पे आपको लिखना है, वहाँ पे गूगल पे जाके आपको सर्च करना है गूगल फाइंड माई डिवाइस, तो उस पर आपको सर्च करना है गूगल फाइंड माई डिवाइस। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे जो रिजल्ट है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, बहुत सारे रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें से आपको सबसे जो पहला ऑप्शन मिल रहा है फाइंड माई डिवाइस गूगल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको वो आईडी डालनी है जो आपके फोन के अंदर है, तो मेरे फोन के अंदर जो मेरी आईडी लॉगिन की हुई है वो मैं आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो SATYAPAL ये मैंने मेरी आईडी डाल दी। तो आपके फ़ोन की जो आईडी है जो आपका फ़ोन लॉस्ट हुआ है उसमें जो आईडी लॉगिन की हुई है वो आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और अपनी आईडी के जो पासवर्ड है वो डालने हैं। तो देखिए मैं अपनी आईडी के पासवर्ड भी डाल देता हूँ, डाल दिया मैंने लॉगिन, तो ये मेरी आईडी है वो लॉगिन हो गई। तो एक तो आपको सबसे पहले लोकेशन बता देगा आपके फ़ोन की जो लोकेशन है वो अभी कहाँ पे है, थोड़ा वेट समय लग सकता है थोड़ा बहुत, ये फ़ोन क्या आपको लोकेशन बता रहा है, तो मेरा फ़ोन कहाँ है बीकानेर में है, बीकानेर पे कहाँ पे है बीकानेर में है और बीकानेर में कौन सी जगह पे है वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए तो मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की लोकेशन मुझे बता देगा, देखिए कांता खतूरिया कॉलोनी है, तो बिल्कुल सही लोकेशन बता रहा है मेरी, और ये सती माता का मंदिर है यहाँ पे मेरी लोकेशन है वो एकदम सही है, यानी जहाँ मैं रह रहा हूँ वो मकान यहाँ पे है। तो मैं पहले तो यहाँ पे आ जाऊँगा, आने के बाद मैं यहाँ से आपको साउंड
दिखाई दे रहा होगा प्ले साउंड, स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो प्ले साउंड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखो मेरे फ़ोन में, मेरे पास फ़ोन है, इसमें रिंग बजेगी और वो भी फुल वॉल्यूम से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए, 5 मिनट तक लगातार बजेगी। हाँ, ध्यान रहे नेट ज़रूरी है, वहाँ पे कनेक्टिंग नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कनेक्टिंग आपके लैपटॉप में तो नेट होना ही चाहिए, फ़ोन में भी नेट होना चाहिए। ये देखिए, आपको चेक करा दूँ, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है मेरे पास। ये जो रिंग मैंने यहाँ से की है वही रिंग यहाँ पर बज रही है। एक बार फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए कोई फ़ोन नहीं आ रहा है ना स्क्रीन पर, आप देख रहे हो सारे, तो इसी से जो रिंग है वो आ रही है। मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा तो बंद भी हो जाएगी। तो देखिए, ये देखिए, अब क्या करना है, आप यहाँ पे अपनी जो सिक्योर डिवाइस है, अपनी पासवर्ड वगैरह है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि आपका दोस्त कोई मोबाइल है वो लेके चला गया है और आपके जो पर्सनल डेटा फ़ोन के अंदर है और आप अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहते हो, यानी पूरे के पूरे डाटा उस फ़ोन से गायब करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उससे आप अपने मोबाइल के जितने भी डेटा है वो सारे के सारे आप वो वहाँ से हटा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर करिए। तो बने रहे टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? वैसे बहुत सारी ऐपें हैं जिनसे आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपको पेड मिलेंगे। तो अब मैंने जो बताया वो बिल्कुल पेड नहीं है, फ्री है, आप बहुत ही इजी तरीके से वो अपने मोबाइल को है वो ट्रैक कर सकते हो। मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।